नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल साइबर गुरु में। तो दोस्तों, आप में से कई लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो अपना पेटीएम का KYC नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे अपना पेटीएम KYC कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पेटीएम KYC करना ज़रूरी क्यों है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पेटीएम KYC कर लेते हैं तो आपको कैशबैक जो है उसी टाइम आपको मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम KYC नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको कैशबैक नहीं मिल पाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको अपना पेटीएम KYC करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कैसे अपने पेटीएम KYC कर सकते हैं। तो आज आप वीडियो को बिल्कुल भी लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो यहाँ से दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको अपना पेटीएम ऐप ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने अपना KYC जो है पहले से कर लिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा KYC यहाँ पर है किया हुआ और मेरा प्रोफाइल भी है, वेरीफाइड है। तो दोस्तों, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे बिना आधार कार्ड के अपना KYC कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस अकाउंट में आपको मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नया पेटीएम अकाउंट है जिसका कि KYC नहीं किया हुआ है। तो मैं भी आपको इसी अकाउंट में KYC करके दिखाने वाला हूँ बिना आधार कार्ड के। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना पासबुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आपको उस डॉक्यूमेंट के यहाँ पर चूज़ कर लेना है और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास आपका खुद का वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने पापा का भी वोटर कार्ड या फिर अपने बड़े जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। मगर दोस्तों, नाम आपको उन्हीं का ही डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं अपने फादर का जो है वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह आपको अपना सारा डिटेल यहाँ पर भर देना है और ऐसे आई कन्फर्म पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में एक मैसेज आ मिल जाएगा कि अकाउंट वेरीफाइड, आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मैंने कैसे अपना KYC किया वो भी बिना आधार कार्ड के, उसी तरह से दोस्तों आप भी अपना KYC कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ से लिंक कर देना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, उसके बाद आपका KYC जो पूरी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो शायद लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम।